hi kids taking up some easy uh, Hedon's formula question with you from the NCRD's exercise 12.1 question number three there is a slide in a park there is a slide in a park one of its side wall has been painted uh, in some color uh, with the uh, with a massage key park green and clean if the side of a wall is 15 meter, वो क्या कह रहे हैं एक वॉल 15 मीटर है आ, एक साइड जो है वो 11 मीटर है और एक क्या है 6 मीटर है फाइंड द एरिया दैट इज द मतलब तीनों साइड्स बराबर नहीं है तो इट्स क्लियर विल अप्लाई हेर ऑन फार्मूला हाँ बिफोर आई स्टार्ट अप विद इट आई लाइक टू राइट डाउन द एरिया ऑफ हेर ऑन फार्मूला एरिया हाउ वी टेक आउट द एरिया ऑफ ट्राइंगल विद द हेल्प ऑफ हेर ऑन फार्मूला इल कम आउट टू बी अंडर रूट ऑफ एस एस माइनस ए S minus B and S minus C. This is the area of a triangle by Heron's formula. Now, if I take up this side, this may happen side later, side DV here. This is a question number 3. Question 3 it is this comes out to be what I have. S is equal to 11 plus 15 plus 6 by 2. 11 plus uh, 15 it comes out to be 26, 26 plus 6 is what we have 32. This is 32 by 2, which comes out to be what I have 16 meter. Kya gaya? 16 meter. Now area of a triangle is what? Area of triangle. Of triangle. Area of triangle, formula of it is That is what? S, S minus A, S minus B, S minus C. This is the area of our triangle. Hai? Now I will get what I have. Here, what is S? Kya hai? S is what? 16. This is 16 minus 11. This is 16 minus 15. This is 16 minus 6. Which comes out to be what I have. Square of. This is 16 into 5 into 1 into 10. Now what I get from here? This comes out to be mere Yahan pe agar main isko dhyan se dekhunga kya 4 ka square. This is 5 ka square. This is 2. This is 4 into 5 root 2, which comes out to be 10 root 2. Sorry, not 10. It is 20 root 2. रूट टू मेरे पास क्या आता है रूट टू इज वॉट बी है वन पॉइंट फोर वन फोर अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो दिस कम्स आउट टू बी वॉट वी गेट टू पॉइंट सॉरी नॉट टू पॉइंट इट इज क्योंकि एक प्ले शिफ्ट हो जाएगा दैट कम्स आउट टू बी टू एट टू एट एक जीरो था तो डेसीमल यहां आ जाएगा मीटर स्केयर इज माई आंसर

Perimeter of triangle is forty-two centimeter. Now this implies what I get eighteen plus ten plus c is equal to forty-two. So c is equal to what I get forty-two minus twenty-eight, which comes out to be what I have fourteen centimeter. Now area of a triangle is

ठीक है, एस यहाँ पे क्या है अंडर रूट ऑफ एस एस इज वट ट्वेंटी ट्वेंटी दिस ट्वेंटी माइनस टेन नेक्स्ट वी हैव ट्वेंटी वन माइनस फोर्टीन विच कम्स टू बी वट वी हैव अंडर रूट ऑफ दिस इज वट ट्वेंटी वन इन टू दिस इज वट थ्री इन टू इलेवन इंटू सेवन विच कम्स आउट टू बी अगर आप बड़े ध्यान से देखेंगे ट्वेंटी वन को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ दैट इज़ वॉट सेवन इंटू थ्री तो ये क्या बन जाएगा दिस इज वॉट सेवन इंटू थ्री लिख देता हूँ मैं सारा थ्री इंटू सेवन इंटू इलेवन अब स्केयर किस किस का आ गया सेवन का भी स्केयर आ गया थ्री का भी स्केयर आ गया 11 आ गया दिस कम्स आउट टू बी ट्वेंटी वन रूट इलेवन दिस कम्स आउट टू बी ट्वेंटी वन रूट इलेवन अगर आपको ध्यान से देखें तो मैंने आपको कुछ वैल्यूज़ याद करने के लिए कही थी अगर मैं उनको याद करता हूँ तो दिस विल कम आउट टू बी थ्री पॉइंट थ्री वन सिक्स आ जाएगा जिस जो मेरे पास क्या आता है सिक्सटी नाइन पॉइंट सिक्स थ्री सिक्स सेंटीमीटर स्क्वायर

साइड्स बी तीन साइड्स मेरे पास कौन कौन सी हैं वट वी हैव ट्वेल्व एक्स सेवेंटीन एक्स एंड ट्वेंटी फाइव एक्स ये तीन साइड है मेरे पास सो वॉट आई गेट फ्रॉम हेयर एज पेरी मीटर इज स्पाई फोर्टी एज पेरीमीटर इज स्पाई फोर्टी मीटर्स so what i get from here 12x plus 17x plus 25x is equal to 540 which comes out to be what we have 29 and this comes out to be what we get 54x mere ko kya dega? this will give us what we have 54x is equal to 540 so x key value kadiha 10 then three sides are तीन जो साइड्स हैं वो कौन कौन सी हैं एक हो जाएगी 120, एक हो जाएगी 170 और एक हो जाएगी 250. ये तीन साइड्स आ जाएंगी अब यहाँ पे पेरीमीटर तो दिया है सेमी पेरीमीटर एस क्या हो जाएगा 540 फोर्टी बाय टू विच कम्स आउट टू बी वॉट टू सेवेंटी ना एरिया ऑफ इक्विल ट्राएंगल एरिया ऑफ इक्विलेटल ट्राइंगल इक्वलिटरल ट्राइंगल इज वॉट वी हैव ये मेरे पास क्या आता है दिस गिव्स एस वॉट वी हैव टू सेवेंटी टू सेवेंटी माइनस वन ट्वेंटी दिस कम्स आउट टू बी टू सेवेंटी माइनस वन सेवेंटी तो मेरे पास नेक्स्ट क्या आता है टू सेवेंटी माइनस टू फिफ्टी दस वॉट आई हैव टू सेवेंटी तो मेरा एज इट इज ही रहेगा इसमें कोई चेंज नहीं आएगा ये मेरे पास क्या आता है दिस गिव्स अस 150 दिस गिव्स मी 100 एंड दिस गिव्स मी व्हाट आई हैव 20 ये मेरे पास आता है अगर मेरे पास ये पॉइंट आएंगे तो मेरे पास यहाँ पे बड़े ध्यान से देखना इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो तो ज़ीरो गिनो जीरो कितने हैं ध्यान से देखना एक जीरो दो जीरो तीन जीरो चार जीरो पाँच जीरो मतलब चार तो इस्तेमाल हो ही जाएंगे ठीक है ना वट आई टेकअप इन दिस केस ये ट्वेंटी तो ये क्या आया सॉरी आई विल टेक अप थ्री का स्केयर इनटू थ्री इनटू टेन हो जाएगा फिफ्टीन को पिक करता हूँ फिफ्टीन को अगर मैं ब्रेक करूँगा तो ये क्या आएगा फाइव इंटू थ्री इंटू टेन तो ये एक थ्री जो है उसको लूँगा ये थ्री स्केयर हो गया ये टेन स्केयर हो गया ये फाइव आ गया ये हंड्रेड भी क्या है टेन का स्केयर है और ये मेरे पास क्या आता है टू इं फाइव इंटू फोर आता है ये कितना आता है फाइव इंटू फोर फाइव ट्वेंटी को लेते हैं ट्वेंटी को ही फाइव ब्रेकअप फाइव इंटू फोर एक तो क्या हो गया फाइव का स्केयर और ये क्या हो गया टू का स्केयर तो ये क्या बचा थ्री इंटू थ्री इंटू टेन इंटू फाइव इन टेन इंट टू हमारा टारगेट यहाँ पे होता है मैक्सिमम नंबर को क्या बना दो स्केयर बना दो ताकि मेरा सोल्व करना इजी हो जाए एंड व्हेन आई सॉल्व इट अप थ्री इंटू थ्री नाइन और दो के बाद तीन जीरो आ जाते हैं सॉरी इट इज ऑल सेंटीमीटर दैट इज सेंटीमीटर स्केयर वी है आई होप दिस इज स्लेट यू कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे हमारा टारगेट आखिरी में क्या होता है जितने ज्यादा से ज्यादा स्केयर बनाए जा सकें उसको हम बनाएं ठीक है ना अप द ऑलमोस्ट सेम वर्किंग है जो हमने पीछे की हुई है बिल्कुल सेम वेरायटी ही है पेरीमीटर इज गिवन टू अस और ईच इक्वल साइड इज ट्वेल्व आइसोस लिस्ट ट्राइंगल है तो मेरे पास यहाँ पे क्या आता है क्वेश्चन सिक्स के अंदर इक्वल साइड आइसोस मीन्स दो साइड इक्वल है ट्वेल्व और ट्वेल्व है ठीक है एज इज ऑफ़ ट्राइंगल पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल कितना है थर्टी तो मेरे पास क्या आता है सो वट आई गेट फ्रॉम हेयर ट्वेल्व दूसरी साइड ट्वेल्व तीसरी साइड को मैंने क्या ले लिया सी इज़ इक्वल टू थर्टी तो सॉरी इट इज थर्टी ठीक है तो ये क्या होगा सी इज इक्वल टू वट वी गेट थर्टी माइनस ट्वेंटी फोर विच कम्स आउट टू बी सिक्स तो थर्ड साइड क्या है सिक्स सेंटीमीटर ठीक है अब इफ आई टेक एस एस वी नो इट अब हाफ ऑफ द इज अ सेमी पेरीमीटर हाफ ऑफ द पेरीमीटर पेरीमीटर कितना दिया हुआ है थर्टी बाय टू करोगे तो ये क्या आएगा विल कम आउट टू बी फिफ्टीन सेंटीमीटर नॉ एरिया ऑफ अक्टर एरिया ऑफ अ ट्राइंगल नॉट इक्टर एरिया ऑफ ट्राएंगल एरिया ऑफ अ ट्राएंगल कम्स आउट टू बी वट आई हैव दैट कम्स आउट टू बी एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी दिस इज अरिया ऑफ अ ट्राएंगल एरिया ऑफ अ ट्राएंगल्स पास यहाँ पे क्या आता है दिस इज वॉट आई सेमी पैरिटर इट इज फिफ्टीन फिफ्टीन माइनस ट्वेल्व नेक्स्ट इज अगेन माइनस ट लास्ट इट दिफ्टीन माइनस सिक्स तो ये मेरे पास क्या दिस कम्स आउट टू बी वी गेट फिफ्टीन इन टू थ्री थ्री इन टू नाइन विच कम्स आउट टू बी वट वी हैव दिस इज what थ्री का स्केयर इंटू थ्री का स्केयर इंटू फिफ्टीन ठीक है ना वट आई गेट फ्रॉम हेयर थ्री का स्केयर इंटू थ्री का स्केयर इंटू फिफ्टीन दैट इज थ्री इंटू थ्री रूट फिफ्टीन हो गया विच कम्स आउट टू बी वट आई गेट नाइन रूट फिफ्टीन अगर मैं ध्यान से देखूँ फिफ्टीन की वैल्यू क्या आती है नाइन इंटू हमने वहाँ पे अगर याद हो बिगनिंग में मैंने आपको बोला था वैल्यूज याद कर लेना तो दिस विल कम आउट टू बी वट वी हैव फिफ्टीन इज थ्री पॉइंट एट सेवन थ्री विच आई मल्टीप्लाई आई गेट वर्टी फोर मल्टीप्लाई करते हैं तो दिल एट फाइव सेवन सेंटीमीटर स्क्र दैट इज वॉट इज अरिया ऑफ द ट्राइंगल विध यू आई होप दिस इज क्लियर टू यू कोई दिक्कत यहां तक नहीं है दिस वॉज ऑल बेसिक बिल्कुल बेसिक था जो मैंने आज हेरोमूला का आपके साथ डिस्कस किया और ये एक्सरसाइज के सबसे इजी क्वेश्चन है चार जो मैंने आज आपके साथ डिस्कस किए टेक केयर ऑफ इट इनको अच्छे से देख लेना रेस्ट द नेक्स्ट लेक्चर विद यू टेक केयर बाय बाय एंजॉय योर डे